हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये जो वीडियो है आज है, ये बेसिकली ट्रैवलिंग पे बेस्ड है ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो ये जो ट्रैवलिंग वीडियो हमने बनाया है, ये बेसिकली ट्रैवलिंग है बैंगलोर टू इलाहाबाद, सो वाया फ्लाइट। सो बेसिकली आप क्या क्या करना चाहते हैं और कैसे आपको ट्रैवल करना चाहिए ड्यूरिंग लॉकडाउन और ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस, तो वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको अपने बोर्डिंग पास पहले से ही प्रिंट करके रखने पड़ेंगे। एंड एक और ज़रूरी बात ये है कि आप पहले से ही अपने टैग्स, जो बैगेज टैग्स होते हैं, अपने बैग्स में लगा लें। एंड देन हम जैसे ही रीच करेंगे एयरपोर्ट, आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जबकि बैंगलोर एयरपोर्ट पे अल्टीमेटली 3 बार थर्मल स्कैनिंग हुई थी। देन आप वहाँ से आप डायरेक्टली बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अभी के लिए जो आपका चेक इन बैगेज है वो अराउंड 20 kg तक हो गया है। पहले ये 15 kg होता था, तो ये बेसिकली लॉकडाउन पीरियड के लिए अनाउंस किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी शॉप्स भी खुल गए हैं एयरपोर्ट पे, बट यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, अपने गेट पे जा रहे हैं जहाँ से हमको अपनी फ्लाइट बोर्ड करनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो भी ये है कि आप जो भी स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं, आप उसकी गाइडलाइंस एक बार पढ़ लीजिए। ये आपको आपके बुकिंग साइट्स पे अवेलेबल होंगी कि जैसे कि हम यूपी ट्रैवल कर रहे थे, तो वहाँ पे स्टेट गाइडलाइन ये है, उनका क्वारंटाइन स्टेटस क्या है और आपको कहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी पहले से ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप वीडियो देखो देख के सोच रहे हो कि हमको अपनी पीपीई किट लेनी पड़ेगी, हमको फेस शील्ड लेना पड़ेगा, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको जो आपका जो एयरलाइन है वो प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमने इंडिगो से ट्रैवल किया, तो उन्होंने हमको फेस शील्ड और जो मिडिल में बैठते हैं मिडिल सीट में, उनको पीपीई किट प्रोवाइड की गई है और साथ में मास्क एंड सैनिटाइज़र का एक सैशे दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आप ट्रैवल करो, बट एटलीस्ट आपके पास मास्क तो होना चाहिए जब भी आप एयरपोर्ट रीच करें, क्योंकि ये चीजें आपको इस टाइम जरूर ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ड्यू टू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस आपको एयरलाइन में कोई भी फूड सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी, एंड इवन आपको पानी भी अपने अपने पास लेके जाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आप ट्रैवल करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए और आपका स्टेटस हेल्दी होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।